आज की मीटिंग के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप मूर्ख मसीह हैं कि बुद्धिमान मसीह हैं। बोलो जय मसीह की। मैं चाहता हूं कोई पढ़िए पांच का सिर्फ तीन और चार। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। बोलो तेल नहीं लिया। ये कौन थी? मूर्ख। अब बुद्धिमान क्या कर रही थी? परंतु समझदारों ने हाँ। अब सब यहां ध्यान दीजिए, ये एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह समझा रहा था कि पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया को किस प्रकार वो उठा के लेके जाएगा। अब सब ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास अगर ज्ञान है तो और पवित्र आत्मा नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये किसी चीज की नहीं है। याद रखना, ज्यादा ज्ञान और उस पे न चलना आपको फरीसी बना देगा। अब सब यहां ध्यान दीजिए, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उनका एक ही टॉपिक पे प्रचार होता था, वो था परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। वो चाहता था कि परमेश्वर एक किंग है, उसका डोम होना चाहिए, किंगडम होना चाहिए, और वो समझाता था कि परमेश्वर जो है वह अपने लोगों में कैसे राज्य करता है। आप जानते होंगे जब बाइबल कहती है राज्य, आप जानते हैं, आपको बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आता है राज्य क्या होते हैं। हम लोग अभी जिस पीरियड में रहते हैं ना, हम गवर्नमेंट में रहते हैं, आज से पहले बहुत गवर्नमेंट नहीं, हर जगह पे किंग्स होते थे, राजा होते थे। मतलब यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, लेट हिज गवर्नमेंट कम, उसका गवर्नमेंट आना चाहिए। अब देखिए वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो समझा रहा था दृष्टांतों में। 10 स्त्रियां थी, ये 10 कुंवारी थी, और बाइबल कहती है इन 10 को प्रॉपर नॉलेज था कि दूल्हा जब भी आएगा तो वो हमें नहीं देखेगा, हमारे पास कुप्पियां हैं वो उसमें ऑयल देखेगा। आज भी बहुत सारे लोगों को इस बात को पता है कि पवित्र आत्मा से भर के जीना कितना जरूरी है, पर मैं आपको सच कहता हूं उनके पास घूमने फिरने का, मोबाइल पे चैट करने का बहुत समय रहता है, परंतु उन्हें परमेश्वर के साथ बैठने का समय नहीं होता है। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ, यीशु कहता है 5 कुंवारियां मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। मूर्खों ने क्या किया, तेल लिया कि नहीं लिया? पक्का? फिर से पूछता हूं मैं, मूर्खों के पास तेल था कि नहीं था? ठीक है, आइए आगे आइए पढ़िए, थर्ड में लिखा है परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। बोलो तेल नहीं लिया। बोलो अपने बाजू वाले को, तेल लिया है? पूछो अपने आप से, तेल लिया है? अब मैं आपको सच बताता हूं और मैं विश्वास करता हूं आज की सच्चाई को आप ग्रहण करोगे। 10 स्त्रियां हैं, 10 कुंवारियां हैं, ये पिक्चर है कलीसिया की, और बाइबल कहती है उनके पास मशाले हैं, उनमें तेल नहीं है, और जब दूल्हा आया तो बाइबल कहती है वो उन्हें ले गया जिनकी मशाले जल रही थी तेल से, लेकिन वो उनको छोड़ के चला गया। और जब ये स्त्रियां उसके पीछे पीछे दौड़ी, आपको पता है उन्होंने उससे कहा हे स्वामी दरवाजा खोल, लेकिन वो उन्हें कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों उन्हें नहीं जानता, क्या कारण था? बाइबल उनका कोई सिन मेंशन नहीं करती है, लेकिन आप जानते हो उनका सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट वहां पर लिखा गया है, वे सो रही थी। बोलो सो जाना। आप जानते हो वो फिजिकली नहीं सोई थी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोने का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे लोग आज स्पिरिचुअली सो चुके हैं, दे आर स्पिरिचुअली डेड। आज उनके ऊपर वचन असर क्यों नहीं करता, क्यों वो वचन को कैजुअली लेते हैं? छदेश सारा दिन तो वही वही बातें करता है, पवित्र आत्मा से भरे रहो, ये करो वो करो वो करो। सो मेनी पीपल आर स्पिरिचुअली डेड। बहुत सारे लोग आज आत्मा से जन्मे हुए नहीं है। आपको पता है ये मशाल, ये तेल, ये आग क्या है? अब सब यहां पर ध्यान देना, कुंवारी का मतलब है कलीसिया, मशाल का मतलब है परमेश्वर की प्रतिज्ञा, ऑयल का मतलब है पवित्र आत्मा, और आग के जलने का मतलब है यीशु मसीह के कैरेक्टर में चलना। कलीसिया, आप मुझे बात बताइए,
सच बताना, बताइए जब यहोशु कनान पहुंचा तो वहां पर कौन रह रहे थे? टेल मी। बाइबल कहती है जब यहोशु कनान पहुंचा तो वहां पर कनान में ऑलरेडी एक जातियां वहां पर रह रही थी। मुझे बताइए यहोशु ऐसे ही उनके बीच में रह गया कि सबको निकाल के वहां से बाहर आया? बाइबल कहती है जब वो पहले अंदर गया उसने एक एक जातियों खत्म किया। कभी कभी आप ऐसा देखते हो कि जैसे प्रतिज्ञा के देश में दुष्ट आत्माएं बैठी हुई थी वहां पर, वैसे ही बहुत बार आपका माइंड इतना बिजी किया जाता है कि आपको यहां पर प्रतिज्ञाएं नहीं दिखती हैं। I saw so many people in my life. मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो इतने बिजी रहते हैं यहां पर कि उन्हें बाइबल की प्रतिज्ञाएं दिखती नहीं है। जैसे उन दिनों में वहां पर दानव थे, वैसे ही इन दिनों में भी यहां पर इनके इतने दानव बैठे हैं, उनको परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं दिखाई नहीं देती हैं। I tell you very truly, आप जानते हो मशाल क्या है? Promises. कितने लोग प्रेयर के अंदर ऐसे जाते हैं, प्रभु यीशु आपका वचन कहता है, आपने कहा यरूशलेम में रुके रहना और मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भरूंगा, प्रभु देख मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, और जब वो आपको अपने ऑयल से भरता है, यू विल बी इन अ कैरेक्टर ऑफ द लॉर्ड, तब आप प्रभु के स्वभाव में चलते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्यों लिखा है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों की बुद्धि खोली ताकि पवित्र शास्त्र को वे समझ पाए? कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी बुद्धि को खोल ताकि मैं पवित्र शास्त्र में उन प्रतिज्ञाओं को देख पाऊं जो प्रतिज्ञाएं तू मुझे दिखाना चाहता है। और जब परमेश्वर आपको दिखाता है, आप कन्फेस करते हो, वह पवित्र आत्मा से आपको भरता है और आप इस पृथ्वी पे उसकी तरह जीना चालू करते हो। दिस इज कॉल अ बर्निंग लैम्प। लेकिन आपको पता है उनके पास ऑयल क्यों नहीं था? Because of the one reason, वे सो गई थी। कितने लोग सोए हुए हैं? हाँ, वचन असर नहीं करता है अभी, बस कैजुअली प्रेयर, यॉर्निंग दे दे के एक बस रटी हुई प्रार्थना जो मुझे याद है, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, घर को आशीष कर, बच्चे को आशीष कर, बीवी को आशीष कर, इसको आशीष कर, उसको आशीष कर, एक्सीडेंट से बचाना, ये करना वो करना, मेरी LIC रुकी हुई है ये पूरी कर दे। आप परमेश्वर के पास गए हो कि किसी आदमी के पास सामान लेने के लिए कि ये सब खत्म हो गया जल्दी बेच दे? आप में से कितने लोग रेडिकली परमेश्वर के पास जाते हैं, लॉर्ड मैं ईमानदारी से कहता हूं न मेरे पास लैंप है न मेरे पास ऑयल है, मेरे अंदर में यहां का वो अंधकार निकाल ताकि मैं उन प्रतिज्ञाओं को देख पाऊं जो प्रतिज्ञाएं यहां पर हैं। आप जानते हो, एक आखिरी बात बता के मैं अपना संदेश खत्म करता हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, बिलीवर्स ने शैतान किनको ब्लाइंड करके बैठा हुआ है, विश्वासियों को कि अविश्वासियों को? टेल मी। अभी आप बोलोगे अविश्वासियों को। पौलुस 2 कुरिन्थियों 4:4 में कहता है, द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के ईश्वर ने विश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया है। क्यों? ताकि वे परमेश्वर के तेजो में सुसमाचार को न समझ सके। मुझे एक बात बताइए, पौलुस को ऐसा लिखना चाहिए था ना ताकि वो सुसमाचार को नहीं समझ पाए। पौलुस ने वहां पर तेजोमय क्यों लिखा? इंग्लिश में लिखा है द ग्लोरियस गॉस्पल ऑफ अवर लॉर्ड। क्यों लिखा है ग्लोरियस? जानते हो, सुसमाचार जब पौलुस को पहुंचा कि यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, वो माफ करता है, तब पौलुस उसमें एंटर हो गया। लेकिन जब पौलुस ने देखा, हम जानते हैं हमने सुसमाचार को कैसे ग्रहण किया है। सुसमाचार इज नॉट अ मैसेज, गॉस्पल इज नॉट अ मैसेज। गॉस्पल कोई सिद्धांत नहीं है। पौलुस कहता है गॉस्पल इज अ पावर ऑफ गॉड। कोई सिद्धांत नहीं है सुसमाचार, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, मैंने विश्वास किया है, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है सुसमाचार सामर्थ है। जब हम विश्वास करते हैं गुस्सू समाचार पर, बाइबल कहती है तुम सामर्थ पाते हो। जब पौलुस ने उस पर विश्वास किया, वो एंटर हुआ उसके अंदर। उसके अंदर से सालों से इतने बंधन थे, वो टूटे। इसीलिए वो कुरिन्थियों को कहता है ये सुसमाचार नहीं है, ये तेजो में सुसमाचार है,
ये ग्लोरियस है, इसने मेरे अंदर इतने बंधन तोड़े हैं, इसने मुझे नया बना दिया है। इसीलिए वो कहता है ये लाइफ कोई नहीं देख पाए, इसीलिए वो उसको कहता है तुम अंधे किए गए हो। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग उस सुसमाचार को तेजो में सुसमाचार कहते हैं, ब्रदर मैं इतना बुरा था, मैं इतना घटिया था, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ मन में सोता था मैं, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं एक को देखता हूं मुझे बुरे विचार नहीं आते हैं। दैट इज ग्लोरियस गॉस्पल ऑफ जीसस। दैट इज ब्रदर, मुझे इतना जल्दी गुस्सा आता था, आज 10 लोग मुझे सुनाते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता है। दैट इज अ पावर ऑफ गॉस्पल। लेकिन हम बिलीवर्स मरे हुए, प्रभु 100 बार पाप क्षमा करता है लेकिन निकालता नहीं है, आज की मसीहत है ये। इसलिए पौलुस कहता है वे सुसमाचार नहीं, वे उस तेजो में सुसमाचार को नहीं देख पाते, वो अंधे किए गए हैं। पैसों में, लड़कियों में, अफेयर्स में, बहुत सारी बातों में उन्हें सच्चाई दिखती नहीं है। दे आर अ ब्लाइंड क्रिश्चियंस। उन्हें दिखाई नहीं देता कुछ, उन्हें बस एक ही चीज दिखाई देती है, बस पैसा पैसा। आपको पता है पौलुस उसकी उसकी सिद्धता तक पहुंच रहा था। आज का प्रचारक फेमिलियरिटी तक पहुंचने की कोशिश करता है, बस उतना फेमस होना जितना बेनिन हुआ था, उतना फेमस होना जितना बिली ग्राम हुआ था। लेकिन पौलुस कहता है मुझे फेमिलियरिटी नहीं चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है जहां यीशु मसीह पहुंचा था। टेल मी, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए मुझे कितने लोगों की आपकी एक गवाही है, जिस सुसमाचार का तू प्रचार करता है मैंने वो अनुभव किया है अपने अंदर, मैंने देखा है कैसे वो बंधनों को तोड़ता है। इसलिए पौलुस कहता है गॉस्पल इज नॉट अ मैसेज, गॉस्पल इज नॉट अ डॉक्ट्रिन, वो कहता है गॉस्पल इज अ पावर ऑफ गॉड, वो सामर्थ है। बोलो जय मसीह की। हाउ मेनी पीपल रियलाइज दिस ग्लोरियस गॉस्पल? आप में से कितने लोगों ने इस तेजो में सुसमाचार का अनुभव किया है? यार क्या सुसमाचार है यीशु मसीह का। जब इसे ग्रहण किया है, डे बाय डे मेरे अंदर बंधन टूट रहे हैं, मैं एक नया पर्सन बन रहा हूं, मैं आत्मा से भर रहा हूं और मैं खुश हूं। मैं हर दिन बालकनी में खड़ा होकर विश्वास करता हूं आज वो मुझे लेने के लिए आएगा। दैट इज गॉस्पल। आज परमेश्वर की आग है कलीसिया में। टुडे इज अ फायर। आप में से कितने लोग उस सुसमाचार के अंदर आना चाहते हैं? लिफ्ट योर हैंड, टेल मी, कितने लोग आना चाहते हैं? प्रभु से कहो, प्रभु मुझे आत्मा से भर उन कुंवारियों की तरह, ताकि मैं वो देख पाऊं जो तूने मेरे लिए रखा है और मैं उसके अंदर प्रवेश कर पाऊं और पौलुस की तरह मैं भी कह पाऊं दैट इज नॉट अ गॉस्पल, दैट इज अ ग्लोरियस गॉस्पल।